उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने पर डॉक्टर अरुण कुमार प्रथम बार लखनऊ से उपासना सुपरफास्ट से सुबह 11 बजे बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके साथ विधायक संजीव अग्रवाल और डॉक्टर डीसी वर्मा भी लखनऊ से बरेली आए। यहां उनके इंतजार कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जंक्शन से बेजरथ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मीरगंज विधायक डीसी वर्मा, फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल और डॉक्टर उमेश गौतम सवार होकर जनता का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार की बोगी से उतरते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे जंक्शन परिसर राममय हो गया। बोगी से उतरते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने घेर लिया। सुरक्षा गार्डों को भी भीड़ से बचा विजय रथ तक लाने में 35 मिनट का समय लग गया। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच जंक्शन से विजय रथ यात्रा निकाली गई। कचहरी रोड, चौकी चौराहा, दामोदर चौक, बटला प्लाजा, कोतवाली सहित विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा व गले में फूलों की माला डालकर स्वागत किया गया। ये बहुत आज उत्साह का दिन है और हम सब बरेली वासियों के लिए बहुत खुशी हो रही है और बहुत हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बरेली जनपद से 7 विधानसभाओं के साथ हमें 2 कैबिनेट के मंत्री मिले, 1 स्वतंत्र प्रभार मिले, 1 कैबिनेट के मंत्री मिले। और ये बरेली का गौरव बढ़ाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिसने मेहनत की, उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ, उसका परिश्रम सफल हुआ है। और मैं हमारे नवनियुक्त विधायकगणों को और मंत्रीगणों को ओबीसी मोर्चा भाजपा महानगर की बरेली की ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।